हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ क्लास नंबर 41 ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। ज्योग्राफिकल थॉट में ये हमारा क्लास नंबर 41 है। इससे पहले हमने क्या पढ़ाया था आपको, जर्मन स्कूल्स ऑफ ज्योग्राफी स्टार्ट किया था। एंड उसमें हमने सबसे पहले किसकी बात की थी, ऑस्कर पेस्टेल की बात की थी, ऑस्कर पेस्टेल की। आज की क्लास में हम बेसिकली जानेंगे किसके बारे में, फर्डिनेंड वॉन रिस्टोफन के बारे में। यहाँ पर हम किसके बारे में जानेंगे, रिस्टोफन। ये कौन है, रिस्टोफन साहब। इन्होंने ज्योग्राफी में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, वही सब हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो पेशेंसली क्लास को देखें, और क्लास अच्छा लगे तो शेयर भी करना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और सब्सक्राइब भी करना। तो रिस्टोफन की बात की जाए तो पहले तो उनका टाइम पीरियड ध्यान रखना। रिस्टोफन का टाइम पीरियड 1833 से लेकर 1905 तक रहा है। टाइम पीरियड इसलिए याद रखना, थोड़ा याद रखना, क्योंकि इनका क्या है, टाइम पीरियड पता लग जाए कि किस टाइम के ये ज्योग्राफर थे। वर्ल्ड वॉर से पहले थे, वर्ल्ड वॉर के बाद थे, तो इस तरह से याद रखना है, ठीक है। 1833 से 1905 तक। तो ये जो रिस्टोफन साहब थे, ट्रेंड हुए थे एज अ जियोलॉजिस्ट, ठीक है। जो जियोलॉजी और ज्योग्राफी में क्या अंतर होता है, जियोलॉजी एंड जियोग्राफी में, ठीक है, लॉजी और ग्राफी में हम बार बार डिफरेंस भी बताए थे। इसमें साइंटिफिक, लॉजी में क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी होती है। ग्राफी में किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्राइब करते हैं। इसमें क्या है, लॉजी में साइंटिफिक स्टडी लॉजिक के साथ होती है, इसमें डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर अर्थ के जो अंदर इंटीरियर पार्ट है उसकी भी स्टडी की जाती है, रॉक्स की स्टडी की जाती है, डिटेल्ड स्टडी। एंड ज्योग्राफी में जो अर्थ सरफेस पर है, अर्थ के एटमोसफेयर है, इवन अर्थ के इनर पार्ट में भी पढ़ते हैं, जो सिस्मिक वेव्स वगैरह आते हैं, तो इन सब के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो रिस्टोफन साहब जो थे पहले, ये ट्रेंड हुए एज अ जियोलॉजिस्ट। एंड इसके बाद इन्होंने कुछ फील्ड स्टडीज़ की, कहाँ पर, चाइना में, एंड चाइना के बाद कहाँ की, कैलिफोर्निया यूएसए में। तो यहाँ पर इन्होंने क्या है, कैलिफोर्निया यूएसए, यहाँ पर ये क्या है, फील्ड स्टडी के लिए गए चाइना और कैलिफोर्निया में। वहाँ पर उन्होंने क्या है, फिर कुछ डेटा वगैरह कलेक्ट किए, इसके बाद क्या है, स्टडीज़ की। इसके बाद फिर उन्होंने कहाँ पर वो गए, जर्मनी में, जर्मनी में कहाँ गए, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, मीन्स यूरोप वाले पार्ट में वापस आ गए थे, ठीक है, जर्मनी में। इसके बाद फिर स्विट्जरलैंड, तो यहाँ पर ये क्या है, फिर यूरोप वाले पार्ट में आकर ज्योग्राफी पढ़ाने लगे थे। तो यहाँ तक समझ आया, पहले वो चाइना गए, चाइना एंड कैलिफोर्निया, वहाँ पर फील्ड सर्वे किया। वहाँ पर क्या किया इन्होंने, फील्ड सर्वे, एक तरह से फील्ड स्टडी की। इसके बाद फिर वो यूरोप वापस लौट आए, वहाँ पर जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इन देशों में इन्होंने क्या है, ज्योग्राफी को पढ़ाया था। बात है 1871 की, 1871 जब क्या है, फ्रांसो पर्शियन वॉर चल रहा था, उसका टाइम पीरियड था। तो यहाँ पर जर्मनी भी क्या है, यूनिफाइड हो गया था, जर्मनी वॉज यूनिफाइड, और जर्मन अम्पायर क्या है, फिर यहाँ लाइट में आ गया था, जर्मन अम्पायर लाइट में आ गया था। अब जैसे ही जो फ्रेंको पर्शियन, एक तरफ फ्रेंच लोग थे, फ्रांसीसी लोग, और एक तरफ वर्सेस पर्शिया, पर्शिया, ठीक है, तो इनका युद्ध चल रहा था, वॉर चल रहा था 1871 में, ख़त्म हुआ। जर्मनी यहाँ पर यूनिफाइड हो गया था, जर्मनी यूनिफाइड हो गया। तो जब जर्मनी यूनिफाइड हुआ तो यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट की बातें होने लगी कि डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है। अब डेवलपमेंट की बातें होने लगी तो डेवलपमेंट, एजुकेशन से अच्छा खासा डेवलपमेंट होता है, तो एजुकेशन के फील्ड में ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। एजुकेशन के फील्ड में अनेक अनेक सब्जेक्टों में पढ़ाने की बात होने लगी। तो यहाँ पर फिर ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट ये भी क्या है, डेवलप्ड करने लगा। अब डेवलप्ड कर रहा था तो टीचर की डिमांड थी, टीचर की डिमांड थी, तो यहाँ पर फिर रिस्टोफन साहब को क्या है, नियुक्त किया गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रिस्टोफन साहब को नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर ज्योग्राफी की इन्होंने क्या है, नई टेक्स्ट बुक लिखी। एंड फिर ज्योग्राफी यहाँ पर क्या है,
अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट देखे जाने लगा। ठीक है, तो जो रिस्टोफन है, रिस्टोफन को क्या है माना जाता है, क्या जो इसेंशियली थे वो जियोलॉजिस्ट थे, लेकिन बाद में आकर इनका कंट्रीब्यूशन किस में रहा, मॉडर्न ज्योग्राफी में भी रहा। तो इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी भी बोला जाता है, जियोमॉर्फोलॉजी बोला जाता है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजी। तो ये टर्म याद रखना है रिस्टोफन के बारे में। अर्लियर वो क्या थे, एक जियोलॉजिस्ट थे, बाद में इनका कंट्रीब्यूशन जियोमॉर्फोलॉजी में देखने को मिला। जैसा कि ये हमने बताया है, चाइना विजिट किए, ही विजिटेड चाइना एंड प्रिपेयर्ड अ मैप ऑफ कोयल फील्ड्स ऑफ चाइना। तो चाइना विजिट किए, चाइना के जो कोयल फील्ड्स थे, जो कोयले के मैदान थे, उनका एक मैप प्रिपेयर्ड किया था, किसने, रिस्टोफन ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो आपके डाउट लिए जाएंगे अगर यहाँ भी कोई डाउट हो। तो अब तक हमने क्या बताया, रिस्टोफन क्या है, अर्लियर जियोलॉजिस्ट थे, बाद में वो फाउंडर रहे मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजी के। क्लियर, विजिट किए चाइना, वहाँ पर कोयल फील्ड्स थे, उनका मैप प्रिपेयर्ड किया था। ही ऑल्सो नोटेटेड द लोएस्ट फॉर्मेशन ऑफ नदन चाइना एंड ट्राई टू एक्सप्लेन देयर जेनेसिस। तो वो चाइना गए, चाइना में जब गए थे वहाँ पर इन्होंने लोएस, ठीक है, लोएस का फॉर्मेशन देखा और नोटिस किया, ये लोएस है एक तरह से जो विंड के फॉर्मेशन से बनता है, जब हवाएं चलती हैं, हवाएं पत्थरों को काटती हैं तो स्थलाकृति इस तरह की बन जाती है। इन लोएस क्या होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं, लोएस क्या होते हैं, साइड में हमने लिखा है, इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विंड ब्लोन डस्ट एंड सिल्ट ब्लैंकेट द लैंड। मीन्स हवा जब चलती है, विंड जब चलती है, हवा अपने साथ, ये हवा चल रही है, हवा क्या है अपने साथ पेड़ों, इनको जो प्लेट्यू माउंटेन्स वगैरह हैं इनको काटती है, फिर अब जो इनका रेत है उसको ले जाती है और इससे स्थलाकृति बनती है। तो दिस लेयर ऑफ फाइन मिनरल रिच मटेरियल इज कॉल्ड लोएस। तो जो ये यहाँ से रेतीली चीज़ें ली हैं, रेत लिया है, फाइन मटेरियल्स लिए हैं, जब वो इकट्ठा कर देते हैं एक जगह तो वो किसका रूप ले लेते हैं, लोएस का रूप ले लेते हैं। लोएस इज मोस्टली क्रिएटेड बाय विंड बट कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर। मोस्टली ये किसके द्वारा, विंड के द्वारा बनते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें रोल ग्लेशियर्स का भी देखने को मिल जाता है। व्हेन ग्लेशियर ग्राइंड रॉक्स टू अ फाइन पाउडर लोएस कैन फॉर्म। ठीक है, जब ग्लेशियर्स क्या है, रॉक्स को छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स, फाइन पाउडर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो लोएस का फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, अब तक हमने रिस्टोफन के बारे में यहाँ पर ये सब चीज़ें देखी हैं। तो लोएस फॉर्मेशन के बारे में नोटिस किसने किया, रिस्टोफन ने। जो चाइना के कोयल फील्ड्स थे उनका मैप प्रिपेयर्ड किसने किया, वो भी किसने किया, रिस्टोफन ने। तो अब आगे देखते हैं, इन द ओपिनियन ऑफ रिस्टोफन, रिस्टोफन के ओपिनियन में द पर्पज ऑफ ज्योग्राफी इज टू फोकस अटेंशन ऑन द डाइवर्स फिनोमिना डेट अकर इन इंटर रिलेशन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। तो रिस्टोफन के मुताबिक इन्होंने ज्योग्राफी को क्या बोला है, ज्योग्राफी जो है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिपेंड नहीं होती है। ज्योग्राफी का जो फोकस है अटेंशन है वो क्या है, डाइवर्स फिनोमिना पर रहता है, डाइवर्स फिनोमिना पर रहता है, जो इंटरलिंक इंटर रिलेशन होता है, इंटर रिलेशन होता है एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ पर इंटर रिलेटेड होती हैं चीज़ें एक दूसरे से। अगर आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो तो क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हो, ओशियनोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इनको अलग अलग नहीं पढ़ सकते, ये क्या है, इंटर रिलेटेड होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब लोएस फॉर्मेशन आप यहाँ भी पढ़ रहे हो, आप जियोमॉर्फोलॉजी में भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्लाइमेट की चीज़ें आप क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी में भी इस कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, ओशियनोग्राफी में भी देखने को मिलते हैं, तो ये इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक, द मेथडोलॉजी ही सजेस्ट फॉर द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी वॉज डैट फर्स्ट द फिजिकल सेटिंग। ठीक है, जो इन्होंने मेथडोलॉजी सजेस्ट की थी ज्योग्राफी की स्टडी के लिए, उसमें फिजिकल सेटिंग की बात की थी। फिजिकल सेटिंग में रिलीफ, क्लाइमेट, सोइल, वेजिटेशन, फ्लोरा फौना, किसी भी रीजन का, ठीक है,
किसी भी रीजन का जो रिलीफ है, रिलीफ जैसा कि हमने बताया है क्या होता है रिलीफ, जैसे ये कोई स्थला करती हैं, ठीक है, स्थला करती है ये, अब इसमें रिलीफ क्या होगा? तो ये अपर मोस्ट जो पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट और डीपेस्ट पॉइंट, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी बीच में है इनके, वो क्या है, रिलीफ फीचर्स हैं, इसको क्या है, रिलीफ बोलते हैं। क्लाइमेट, सोइल, वेजिटेशन, फ्लोरा, फौना। तो ज्योग्राफी में बेसिकली स्टडी किसकी की जाती है, फिजिकल सेटिंग्स की, एंड देन द एडजस्टमेंट ऑफ मैन इन दैट सेटिंग कैन बी एग्जामिन्ड। इसके बाद फिर क्या है, मैन का रोल आता है, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या है, फॉलो कर रहे थे कौन सी अप्रोच को, डिटर्मिनिस्टिक। तो आगे जब आएंगे वो हम डिटेल में वहाँ पर बताएंगे। अकॉर्डिंग टू हिम द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी इज द एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ मैन टू द फिजिकल अर्थ एंड टू द बायोटिक फीचर्स। तो इन्होंने मेन ऑब्जेक्टिव क्या बताया ज्योग्राफी का, जो रिलेशनशिप है मैन की किसके साथ, सेटिंग और बायोटिक फीचर्स के साथ। मैन का क्या रिलेशन है फिजिकल अर्थ के साथ, तो वो बताने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। इन्होंने बोला है कि ज्योग्राफी का मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि चीज़ों को कैसे एक्सप्लोर किया जाए और जो मैन का रिलेशनशिप है फिजिकल अर्थ के साथ, बायोटिक फीचर्स के साथ, इनके बारे में बताया था। फॉर अ सब्सटेंशियल पीरियड दिस ऑब्जेक्टिव एंड मैथडोलॉजी रिमेंड द बेसिक पैटर्न ऑफ जियोग्राफिकल स्टडी नॉट ओनली इन जर्मनी बट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इन्होंने जो ये सजेस्ट किया था, तो ये ऑब्जेक्टिव मैथडोलॉजी, ये जो पैटर्न है ज्योग्राफिकल स्टडीज़ का, ये सिर्फ जर्मनी में ही प्रचलित नहीं था, ये जो दुनिया के अलग देश थे वहाँ पर भी ये इस अप्रोच को माना गया था जो रिस्टोफर ने बताई थी, कि पहले किसकी स्टडी की जाए, फिजिकल सेटिंग की, देन इसके बाद मैन का रोल आता है, एडजस्टमेंट ऑफ मैन इन दैट सेटिंग कैन बी एग्जामिन्ड, ठीक है। तो रिस्टोफन के बारे में हमने अब तक यही सब देखा है, अब चलते हैं आगे। ये कटिंग ली गई है अब जो माजिद हुसैन सर की बुक है ज्योग्राफिकल थॉट, वहाँ से ये कटिंग ली गई है, नीचे लिखा गया है सोर्स के बारे में भी, ठीक है। सोर्स क्या है इसका, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट बाय माजिद हुसैन सर। तो रिस्टोफन क्या थे, फर्स्ट जर्मन स्कॉलर थे जिन्होंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट बिटवीन द जनरल एंड रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है। ट्राई किसने किया था, वारेनियस ने भी ट्राई किया था, किसको बताने का, दो ब्रांच ज्योग्राफी की, दो ब्रांच को बताने का सबसे पहले प्रयास किसने किया था, वारेनियस साहब ने किया था। तो वारेनियस के बारे में हमने देखा था, वारेनियस ने क्या किया था, जो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी, एक तरह से इनको डायकोटोमी की एक तरह से फाउंडेशन रखा था। रिस्टोफन वॉज द फर्स्ट जर्मन स्कॉलर टू डिफरेंशिएट बिटवीन द जनरल एंड द रीजनल ज्योग्राफी। तो रिस्टोफन ने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया था जनरल और रीजनल ज्योग्राफी के बीच में। ही एम्फेसाइज द पॉइंट दैट रीजनल ज्योग्राफी मस्ट बी डिस्क्रिप्टिव टू हाईलाइट द सैलियंट फीचर्स ऑफ अ रीजन। तो जो ये रीजनल ज्योग्राफी है वो किसी एक रीजन को हाईलाइट करती है, किसी एक रीजन के बारे में बताती है, किसी एक रीजन की स्टडी करती है। मोर एवर इट शुड ट्राई टू सीक रेगुलरिटीज ऑफ ऑक्यूरेंस एंड पैटर्न्स ऑफ सच यूनिक फीचर्स टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस एंड टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। रीजनल ज्योग्राफी में किसी रीजन के बारे में वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में देखते हैं, पैटर्न देखते हैं, ऑक्यूरेंस देखते हैं। जनरल ज्योग्राफी में क्या होता है, जनरल ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार रिस्टोफन के, डील्स विद द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडिविजुअल फिनोमिना इन द वर्ल्ड। एक तरह से इन्होंने बोला है कि जो रीजन्स हैं, अब उनका जो एक पूरा सिस्टम बन जाएगा वो क्या हो जाता है, जनरल ज्योग्राफी। जनरल ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू हिम डील्स विद द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडिविजुअल फिनोमिना इन द वर्ल्ड। फॉर सिस्टमेटिक रीजनल स्टडी ही एम्फेसाइज द नीड ऑफ फील्ड वर्क। रिस्टोफन डिस्टिंग्विश्ड द डिफरेंट मेथड ऑफ स्टडी इन एरिया ऑफ डिफरेंट साइज। तो रिस्टोफन ने यहाँ पर
डिफरेंट मेथड की स्टडी की, अलग अलग एरिया के हिसाब से, जो साइज के हिसाब से अलग अलग एरिया थे विच ही नेम्ड, इन्होंने अलग अलग नेम दिए इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज, साइज जैसे जैसे इंक्रीज करता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे आर्ड टिले, इन्होंने बोला आर्ड टिले क्या है, मेजर डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड लैंडर, मेजर रीजन्स के बारे में बताया। लैंड सेफ्टन, ये लैंडस्केप और द स्मॉल रीजन। एंड ओट लिस्टन, ये लोकेलिटीज की बात की है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने साइज के बारे में बताया अलग अलग रीजन के, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज, पहले बड़ा फिर छोटे छोटे छोटे। ही इंसिस्टेड डैट अर्डकुंडे ज्योग्राफी, जो कि अर्डकुंडे बोला गया है, मस्ट रेफर टू अ स्टडी ऑफ द अर्थ वेयर द लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर, बायोस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फेयर आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। जो लाइन हमने पहले बताई थी, ये किसने बोला है, रिस्टोफन ने, कि जो लिथोस्फेयर है, एटमोस्फेयर है, बायोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। ठीक है, तो ये किसने बताया, ये बताया रिस्टोफन ने। तो ये था रिस्टोफन के बारे में, रिस्टोफन ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। मोटी मोटा याद रखना रिस्टोफन के बारे में, अर्लियर जियोलॉजिस्ट थे, देन मॉडर्न ज्योग्राफी के फाउंडर माने जाते हैं। चाइना घूमे, चाइना में सर्वे किया, लोएस फॉर्मेशन के बारे में बताया कि कैसे बनते हैं, लोएस क्या होते हैं, ये हमने आपको बताया है ही है। इसके बाद इन्होंने जो फिजिकल सेटिंग को पहले स्टडी करने की बात की, देन इसके बाद मैन का एडजस्टमेंट की बात की है। इन्होंने इंटर रिलेशनशिप बताई है मैन की फिजिकल अर्थ के साथ। एंड देन इसके बाद रिस्टोफन फर्स्ट जर्मन स्कॉलर थे जिन्होंने जनरल और रीजनल ज्योग्राफी को डिफ्रेंशिएट किया। एंड इन्होंने अलग अलग एरिया को साइज के हिसाब से यहाँ पर बताया है। आर्ड टिले जो मेजर डिविजन्स है वर्ल्ड के, लैंडर मेजर रीजन्स है, एंड लैंड साफ्टन लैंडस्केप और स्मॉल रीजन है, एंड ओट लिस्किएटन इनको लोकेलिटीज़ के बारे में बताया है। तो ये था रिस्टोफन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे अदर ज्योग्राफर, जो जर्मन अदर जर्मन ज्योग्राफर आए उनके बारे में। तो इस क्लास में इतना ही, रिवीजन करते रहें, क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस क्लास में इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।